भारत इस साल अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी के तहत कोटा बूंदी प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 75 सालों में हमने बहुत प्रगति की है। किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आज हम सब जिस उत्साह उमंग के साथ साथ सामूहिक संकल्प के लिए आए हैं, आपके उत्साह को देखकर, आपकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को देखकर मुझे भी बहुत उत्साह और प्रेरणा मिली है। हम संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी आजादी को 15 अगस्त को 75 वर्ष हो रहे हैं और 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में बहुत प्रगति की है। विकास की दृष्टि से भी देश आगे बढ़ा है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी आए, लेकिन हमें और दूरी प्राप्त करनी है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए सरकार चाहती है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। इसके लिए सरकार ने करीब 25 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि इसमें सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा तिरंगे को ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकेगा। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा और मोदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट।